सो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो फोनों के साथ। आज हम कंपेयर करने वाले जिन दोनों फोन आपको बजट रेंज में आपको देखने को मिलती है। एक का नाम है रियलमी C2 जो कि कुछ ही दिनों के बाद ही सेल में जाने वाला है, और एक का नाम है इन्फिनिक्स S4। तो आज हम देखेंगे दोनों फोन के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो कौन सा आपको बेटर देखने मिलती है और कितना टाइम तक आपको बेटर देखने मिलती है। तो आप अगर जानना चाहते हो इस बारे में तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करूँ दोनों फोन की लुक और बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। तो दोनों फोन में आपको सामने ये तो आपको वाटर और आपको डिस्प्ले, उसके से दोनों फोनों को थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही आपको बेहतर देखने को देखिए मिल जाती है। बात करूँ दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी, तो दोनों का बिल्ड आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको जो मेटेरियल यूज़ है दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलती है। दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट ग्लास फिनिश के साथ आपको डुअल कलर ग्रीन आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या आपको रियलमी C2 में आपको डायमंड कट फिनिश के साथ आपको डुअल कलर ग्रीन आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों फोन की फुल स्पेस में जरिए जो कि कॉन्फर्म हो चुका है, तो आपको रियलमी C2 में आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको 6.1 इंच की आपको HD पैनल आपको देखने को मिल जाती है, और आपको इन्फिनिक्स S4 में आपको 6.2 इंच की आपको HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको HD की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, दोनों में आपको फुल HD प्लस की आपको डिस्प्ले सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती है। बात करूँ दोनों फोन की प्रोसेसर की, तो दोनों में आपको सेम ही आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है। दोनों में आपको मीडिया डेली की आपको P22 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रोसेसर को उतना भी आपको खास देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये इस प्राइस में लॉन्च हुआ, इस प्राइस में ये प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों फोन के कैमरा की, तो रियलमी C2 में आपको डुअल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 12MP प्लस आपको 2MP की आपको डुअल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाती है, जिनमें से 12MP आपको मेन कैमरा आपको देखने को मिलती है और 2MP आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाती है। बात करूँ इन्फिनिक्स S4 की कैमरा की, इस फोन को ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलती है 10,000 के अंदर। इसमें आपको 13MP प्लस आपको 8MP प्लस आपको 2MP की आपको ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा आपको एक कैमरा देखने को मिलती है जो कि आपको वाइड एंगल लेंस के आपको हेल्प करेगा। बात करूँ दोनों फोन में से कौन सा आपको बेटर आपको कैमरा देखने को मिलते हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको वाइड एंगल लेंस होने के साथ आपको रियलमी C2 से आपको इन्फिनिक्स S4 में आपको बेटर आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करूँ दोनों फोन के फ्रंट कैमरा की, तो आपको रियलमी C2 में आपको 5MP की आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलती है। इस प्राइस में इसमें आपको 8MP की एटलीस्ट आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये अच्छा होता। लेकिन आपको इन्फिनिक्स S4 में आपको कैमरा मिलती है, इसमें 32MP की आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाती है। दोनों में से आपको इन्फिनिक्स S4 में आपको बैटरी आपको कैमरा देखने को मिल जाती है। अब बात करूँ दोनों फोन की बैटरीज की, तो दोनों में आपको सेम ही आपको बैटरी देखने को मिलती है। दोनों में आपको 4000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, उसके साथ फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट दोनों फोन में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात करूँ दोनों फोन की OS की, तो दोनों में आपको 9.0 को पाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करूँ दोनों फोन की मेन हाईलाइट यानी कि प्राइस की, तो रियलमी C2 का प्राइस आपको बेस बैंड आपको मिल जाती है 5,999 रुपये के अंदर, और आपको इन्फिनिक्स S4 का जो प्राइस है इसका प्राइस 7,999 रुपये के अंदर, इसका बेस बैंड आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों फोन में से कौन सा आपको बेटर देखने को मिलता है, दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको इन्फिनिक्स S4 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आपको बेटर आपको डिस्प्ले थोड़ा सा आपको ज़्यादा आपको डिस्प्ले मिलती है, उसके साथ कैमरा आपको थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिलती है, फ्रंट कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलती है, और इस फोन की थोड़ा सा आपको प्राइस 1000 के आपको प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको रियलमी C2 से आपको ये बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको सेमी प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो आप अगर 1000 की आप अगर बचत कर सकते हो या 1000 की आप अगर डाल सकते हो, तो आप रियलमी C2 को छोड़ के आप इन्फिनिक्स S4 को ले सकते हो। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।